हेलो सुपर लर्नर्स हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम पार्ट वन जो कि चैप्टर नंबर टू है आपके साइंस से इस चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे और ऐसे वन शॉट में मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स वगैरह होंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सभी मिल जाएंगे सिंपली आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर शुभम झा क्लास टेन या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो एक आखिरी बात चैप्टर का टाइम स्टैम्प भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज सीखना होगा तो उस टाइम स्टैम्प स्टैम्पे क्लिक करके आप जा सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है शिवम झा तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है कॉम्पोनेट्स ऑफ फूड अच्छा देखिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं जैसे कि कभी चलना नाचना खेलना कूदना ठीक है या फिर अपना काम करना बहुत सारे एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं ये एक्टिविटीज को हम अच्छे से इसलिए परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे सिस्टम इसके पीछे काम कर रहे होते हैं कि हम इसको स्मूथली कर ले सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्क्यूलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सेट्रा बच्चो ये सारे सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है अब ये एनर्जी कहां से आता है तो बच्चा एनर्जी पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं वी ईट फूड जो फूड हम खाते हैं जो पानी हम पीते हैं जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी से हमें एनर्जी मिलता है अब फूड में ऐसा क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है तो फूड में होता है न्यूट्रिय अब मैं तुम्हें यहां एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने जा रहा हूं कि पेलेज्रियंट्स भी दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिय मैक्रोन्यूट्रिय का एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट भैया यह मैक्रोन्यूट्रिय मतलब क्या होता है वो न्यूट्रिय जो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिय माइक्रो न्यूट्रिय मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा वो न्यूट्रिय जो हमें थोड़े कम क्वांटिटी में चाहिए होता है जैसे कि मिनरल्स एंड वाइटामिन ये हमें थोड़े कम क्वांटिटी में चाहिए होता है इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिय कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिय और माइक्रोन्यूट्रियट दोनों हमें चाहिए होता है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमने माइक्रो में लेट्स है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाया अब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारे शरीर में जो हमें मिलता है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है चलो एग्जाम्पल के लिए हमने प्रोटीन्स खा लिया तो प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमें अमीनो एसिड्स मिलता है और जब हम फैट्स कंज्यूम करते हैं तो बच्चों जो हमें मिलता है वो होता है फैटी एसिड एंड एल्कोहल ये तो मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू एक बताया लेकिन इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों जो खाना हम खाते हैं वो सफिशियंट नहीं है हमें एनर्जी देने के लिए तुम तो बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो तो हम ऑक्सीजन लेते हैं अब ये ऑक्सीजन क्या करता है इस फूड स्टप का जो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन करता है और रिटर्न में हमें एनर्जी मिलता है ये बात याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो जो भी एनर्जी हमें मिला है ठीक है

बच्चों हमें फ्रूट से मिल सकता है मिल्क और शुगर जैसे कि चॉकलेट जैगरी हनी इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है फिर हमें पोटैटो स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है ये कुछ सोर्सेस थे ये अपने नोट्स में जरूर लिखना बच्चों अगर मैं एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाता हूं से कि मैंने कोई चीज खाया जिसमें एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है तो मुझे भैया कितना एनर्जी मिलेगा तो मुझे मिलेगा फोर किलो कैलरीज इतनी एनर्जी बच्चों अगर मान लेते हैं हमने एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लिया मतलब जितना शरीर को जरूरी है उससे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमने कंज्यूम कर लिया तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द लीवर ये हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है मसल्स में स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन चलिए काम करते हैं अगले वाले पे चलते हैं जिसका नाम है प्रोटीन प्रोटीन एक प्रकार के मैक्रो मॉलिक्यूल्स है मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं ये बनते कैसे हैं अमीनो एसिड जब बहुत सारे एक साथ आते हैं आपने चैप्टर नंबर एंड इवोल्यूशन में प्रोटीन पढ़ा था उसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रोटीन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं मुझे बताना जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि यह बन गया हमारा प्रोटीन अब अगर हम एक ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो भैया हमें कितना एनर्जी मिलेगा आपको मिलेगा चार किलो कैलोरी तो भैया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से क्या नियर अबाउट सेम प्रकार का एनर्जी मिल रहा है जी हाँ, बिल्कुल के के वेज वेज सोर्सेस सोर्सेस क्या होते होते हैं हैं दाल पल्सेस ठीक है ये प्रोटीन के सोर्सेस होते है। अब ये काफी महंगे हैं तो हर इंसान इसको खा नहीं सकता प्रोटीन के लिए तो प्रोटीन के, के कुछ नॉनवेज सोर्सेस भी होते हैं जैसे कि एग हैन गोट बीफ और तुम्हें पता है तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इन सोर्सेस को क्या कहा जाता है तो तुम बोलोगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन अब इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का जो प्रोटीन का प्रोफाइल है और इन चीजों में जो प्रोटीन का प्रोफाइल है वो मैच करता है थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये हम ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं इसलिए इसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रोटीन से हमें पता है कि हमें मिलेगा अमीनो एसिड क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन बना हुआ है और जो ये अमीनो एसिड है ये हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा और ब्लड के थ्रू हर जगह ट्रांसपोर्ट होगा तो लड़ से कि ये एक प्रोटीन है ठीक है ये प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा और हमारे बॉडी में जाकर के ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और पूरे बॉडी में चला जाएगा अब तुम इमेजिन करो ध्यान से सुनना मेरी बात को ठीक है फ्रॉम दिस अमीनो एसिड ऑर्गन एंड बॉडी प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन फॉर एंड होल बॉडी तो इससे क्या होगा जो अमीनो एसिड मिला इससे हमारा बॉडी अलग अलग प्रोटीन बनाएगा और उसको जो भी काम है उसको निपटा लेगा अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में जो आपको याद रखना है क्योंकि आपके बुक में है सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की तो जो हमारी जो स्किन होती है उस स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मिलनिन या फिर कैरेटीन तो मिले और कैरेटीन हमारे स्किन के अंदर मिलता है ठीक है तो मैं सुनाऊँगा ना कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने बाल पे कैरेटीन कराया है सिमिलरली चलो अगला है बोन्स जो हमारे बोन्स होता है बच्चों इन बोन्स के अंदर क्या होता है ऑसिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे बोन्स बनता है अगला वाला देखो सेल अब देखो ये जो तुम्हें मैं दिखा रहा हूं ये सेल मेम्ब्रेन है मतलब हमारे सेल के ऊपर का एक मेम्ब्रेन ये बना होता है फौस्फोलिपीड से फॉस्फोलिपिड मतलब जो फॉस्फो वर्ड मैंने बोला वो क्या है फॉस्फोरस और लिपिड जो मैंने बोला वो है फैट तो इसको बनने के लिए भी बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है जैसे एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है ग्लाइको प्रोटीन ग्लोब्युलर प्रोटीन यहां पर तुम देख सकते हो तो ये भी प्रोटीन से बनता है अगला ले लेते हैं पैंक्रियाज तो एक लीफ जैसा ऑर्गन होता है हमारे पैंक्रियाज के पास जिसको हम क्या बोलते हैं ये ये है है बेसिकली ठीक प्रोड्यूस करता है कुछ ये लीफ जैसा जो ऑर्गन है इसको कहते हैं और ये कुछ आ, प्रोड्यूस करता है है इंसुलिन इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन अभी जो होता है, हमारे बॉडी के ब्लड लेवल को कंट्रोल करता है तो दिस इज ऑल्सो प्रोटीन फिर देखो हमारा जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है चने जैसे जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है और ये भी बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल होती है और क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर

अगर भैया हम ज्यादा प्रोटीन खा लेंगे तो क्या होगा तो अगर बच्चों आप एक्सेस प्रोटीन को कंज्यूम कर लेते हो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड जो तुम्हारे बॉडी के अंदर बनेगा प्रोटीन के कारण वो ब्रोक होगा और वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसको फिर इलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से चलिए आगे बढ़ते हैं कभी कभी बच्चों जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन है रिक्वायर्ड होने पर जैसे मान लो ये अमीनो एसिड है हमारे बॉडी में एक्सेस प्रोटीन है ये इकट्ठा होंगे और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे इन साइड द लीवर किसमें प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजिनेसिस इसको भी अपने नोट्स में लिख देना कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन अगर रिक्वायर्ड हुआ तो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में लीवर के अंदर ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर है इसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं चलिए यहां तक प्रोटीन की बातें हो गई अब बात करेंगे फैट्स के बारे में बच्चों फैट्स को लिपिड्स भी बुलाया जाता है अब ये जो फैट होता ये जो है फैट का, ये कैसे बनता? फैट कैसे बनता? तो एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्डिंग होती है दो चीजों के बीच में कौन से कौन से दो चीज एक है फैटी एसिड और दूसरा एल्कोहल ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं फैट तो मुझे बताओ अगर हमारे बॉडी ने फैट कंज्यूम किया तो जिससे ये बना होगा अगर टूटेगा तो भी तो वही मिलेगा तो हमें मिलता है फैटी एसिड एंड एल्कोहल फैट से अब भैया फैट भी जरूरी है क्या थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे सेल के बाहर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से द मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉस्फोलिपिड ये बहुत जरूरी होता है विच आर इसल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलो ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है अब ये जो फॉस्फोलिपिड है जरा थोड़ा सा अच्छे से तुमको थोड़ा डिटेल में बताता तो हूं यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक टकला ऐसा दिख रहा होगा गोल और एक तुम्हें टेल दिख रहा होगा अच्छा ये जो टकला होता है ठीक है फॉस्फोरस हेड होता है ठीक है फॉस्फोरस का एक हेड होता है ठीक है, 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 मतलब है और ये वाला जो चीज है ये, जो है यहाँ पे, ये, का है, ये से बना हुआ है एक प्रकार का एल्कोहल है अब तुम बोलोगे भैया इसका काम क्या है ऐसा क्यों बनता है और इसका काम क्या होता है तो देखो तुम्हारे सेल में कुछ चीजें जानी चाहिए और कुछ चीजें नहीं जानी चाहिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से तो ये का जो मेम्ब्रेन होता है ना सेल मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल करता है है ठीक तो याद रखना फैट इज नेसेसरी टू मेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके दूसरा वाला बच्चों तो बहुत सारे हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में होते हैं जिसके बारे में हम लाइफ प्रोसेस टू में पढ़ेंगे जैसे फैटी एसिड इन हॉर्मोन्स को बनने में हेल्प करता है हॉर्मोन का भैया एग्जाम्पल बताओ प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजी टेस्टेस्ट्रॉन एडल्ट एडल्ट Eldostron, sorry. Eldostron. तो ये जो एल्डोन सॉ इनको प्रोड्यूस करने के लिए भी फैट हेल्पफुल होता है बच्चा इतना ही नहीं हमारा जो न्यूरॉन होता है बच्चों ठीक है न्यूरॉन की जो कवरिंग होती है ठीक है अराउंड स्टैंडर्ड में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा है वो भी वो किससे बना होता है वो भी फैट से बना होता है हमें अगर हम फैट खाते हैं तो अगर हम एक ग्राम फैट खाएंगे तो हमें नाइन कैलोरीज जितनी एनर्जी मिलेगी मतलब फैट से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है इसीलिए तो तुम्हारे भाई का पेट निकल गया है ओके <Pepper> <laughs> तो हम अगर एक ग्राम फैट खाएंगे तो हमें नाइन येलो कैलोरीज इतनी एनर्जी मिलेगी यहां तक तुम्हें सबको समझ आ गया होगा तो ये है बच्चों एक फैट और अगर कोई एक्सेस फैट खा लेता है बहुत ज्यादा फैट खा लेता है तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बन करके उसके बॉडी में स्टोर रहे

<laughs> एक बकरी थी जो पानी चुरा के पी रही थी बीसी बीसी समझ गया जजबात समझ गए पानी किसी ने तुम्हारे चुरा गया तुम्हारा तो वाटर सोल्वर कौन सा बीसी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है पूछते हैं एमसीक्यू में वाटर भैया क्या वाटर भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है हां जी बिल्कुल न्यूट्रिएंट होता है देखो तुम्हारा जो बॉडी है ना वो 60 टू 70 परसेंट पानी है और हमें पानी पीते रहना चाहिए इनफैक्ट जो तुम्हारा ब्लड है उसमें भी 90 परसेंट वॉटर है तो पानी कितना जरूरी है तुम्हें तो पता हर सेल में अगर हम मास निकालने जाते अराउंड सेवेंटी परसेंट वॉटर होता है तो मैं समझ आ गया होगा कि वाटर कितना जरूरी है और अगर तुम बच्चा पानी नहीं पीते हो तो तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है दिक्कत है तो पानी भी इंपॉर्टेंट है ठीक है बिना पानी के नहीं चलेगा काम फाइबर्स बच्चा फाइबर्स क्या होता है देखो फाइबर जो है ना ये भी एक प्रकार का न्यूट्रिय ठीक है फाइबर अगर तुम कंज्यूम करते हो तो तुम्हारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता ठीक है लेकिन फाइबर तुम्हारे बॉडी में बाकी सारी चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है जब तुम कोई फ्रूट खाते हो लिफी वेजिटेबल खाते हो या फिर तुम कुछ अलग चीजें जैसे सेल्स वगैरह भी कंज्यूम करते हो ओट्स कंज्यूम करते हो दलिया खाते हो तो इन सारी चीजों में थोड़ा सा फाइबर होता है फाइबर सबसे ज्यादा जरूरी है अगर तुम्हारे बॉडी में फाइबर्स नहीं होंगे तो तुम्हारा जो पट्टी आता है ना स्टूल जो बनता है वो सही से बनेगा नहीं और सही से पास नहीं हो पाएगा अगर तुम्हें पॉटी करने में कोई दिक्कत होता है प्रेशर नहीं बनता तो तुम समझ लो या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है है तो तो तुम समझ लो कि तुम्हारे अंदर फाइबर्स की कमी ठीक तो लिफी वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट करो ठीक है और फ्रूट्स खाना स्टार्ट करो इन सब से आपको फाइबर्स मिलेगा तो फाइबर इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट तो ये कुल मिला के वो सारी चीजें थी जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे यहां तक सारी चीजें हो गई नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एरोबिक एन रेस्पिरेशन लेकिन अब तक अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक like बटन पे दबा करके एक बार उसको बढ़ा दो अगर वो फोर है तो उसको फाइव कर दो चार है तो पांच कर दो तुम एक लाइक like बढ़ा सकते हो और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दॉपिक क्राइकोलाइसिस क्रेपसाइकुलटीसी चेन रिएक्शन जो कि आपके पेज नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन पे देखने को मिलेगा सबसे पहले बच्चों रेस्पिरेशन का मतलब हम क्या समझते हैं द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग मगर ये सच नहीं है समझाता हूं देखो रेस्पिरेशन में दो चीजें होती हैं सबसे पहले एक होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन एक होता है तुम्हारा सेल लेवल रेस्पिरेशन अब ये जो हम बॉडी लेवल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि हमारे बाहर के सराउंडिंग में और हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है जैसे कि बाहर ऑक्सीजन है जो हमारे बॉडी के अंदर गया और हमारे बॉडी के अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दिया ये एक्चुअली में बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं अब सिमिलरली बच्चों ये करने के लिए ये चीज़ करने के लिए हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व पढ़ना है जैसे कि बाहर से नासल कैविटी, नाक होता है, के के है, है हो। सांस लेते हैं फिर है लैंड्रिया यहां से जो ये पार्ट जा रहा है इसको हम लैंड्रीएक्स कहते हैं फिर यहाँ पे ट्रैकिया डिस्क तरीके का होता है ठीक है फिर यहाँ पे राइट लंग्स और यहाँ पे एक लेफ्ट लंग है फिर नीचे की तरफ तुम्हें जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको डाइफ्राम कहते हैं अगर इस देखो यहाँ पे लंग्स को मैंने ऐसे काट दिया और लंग्स को काटने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक्शन देखता हूँ तो यहाँ दो पाइप जा रहे हैं जिसमें से ये जो पाइप जा रहा है वो लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट ब्रांच सिमिलरली एक राइट की तरफ भी जा रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे से बलून लाइक -like स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एलवीओल कहते हैं यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू डिफ्यूजन क्लियर है अब समझते हैं सेल लेवल रेस्पिरेशन अब देखो जब सेल लेवल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फूड जो होता है हमारा वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ अब यहाँ पे लेकिन एक कमाल की बात है कि जो ये सेल है यहां पे जब सेल लेवल रेस्पिरेशन होगा तो ये दो प्रकार से हो सकता है या तो ये ऑक्सीजन के साथ हो सकता है विद ऑक्सीजन जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे या तो ये बिना ऑक्सीजन के हो सकता है जिसको हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्लियर है एन एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों आज हम बात करने वाले एरोबिक रेस्पिरेशन तो सबसे पहले सुनो हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज मिला ये ग्लूकोज आगे चल के हमारे बॉडी में एटीपी में कन्वर्ट होता है एटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ये जो एटीपी होता है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है मतलब ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है या फिर इसको हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं जिससे हमें डायरेक्टली एनर्जी मिल जाता मिल है एटीपी आया बॉडी में एनर्जी मिल गई ठीक है इनडायरेक्ट सेट सोर्स भी होते हैं एनएडीएच टू एफएडीएच टू उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले चलते रहो मेरे साथ सुनते रहो रेस्पिरेशन अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में हम बात करें जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है ठीक है ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है तीन स्टेप में तीन स्टेप कौन से कौन से ग्लाइकोलाइसिस एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल बोला जाता है इसको क्योंकि हेंस क्रेब ने दिया था इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है तुम्हें तो गूगल करना है कि ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है नीचे कमेंट में डाल ठीक है इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है सिमिलरली बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन ये अगला एक

पायरेविक एसिड के साथ और भी कुछ चीजें फॉर्म होती है तो दो पायरेविक एसिड तो फॉर्म हुआ है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के कारण लेकिन यहां पे दो एटीपी जो कि डायरेक्ट एनर्जी है दो एन ए डी टू जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और दो वाटर मॉलिक्यूल जो कि बाय प्रोडक्ट है यह भी फॉर्म हुआ है भैया ये एनएडीएच टू जो कि इनडायरेक्ट एनर्जी आप बोल रहे हो इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडीनाइन डाइनिक्लियोटाइड फिर से एक बार निकोटिनामाइड एडीनिन एडीनिन या एडीनि डाइनिक्लोटाइडाइड तुम बोल सकते हो बच्चों अब ये जो चीजें फॉर्म हुई है ये हमें याद रखनी है यहाँ पे कि दो पायरेविक एसिड है ये बात याद रखना दो एटीपी बना है दो एन एडीएस बनाया दो वाटर मॉलिक्यूल बना है ठीक है साथ ही साथ बच्चों जो ये पायरेविक एसिड है दो पायरेविक एसिड ये दो एसिटिल को इंजाइम ए एं में कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट स्टेप है कि ये जो पैरविक एसिड है ये दो एसिटिल को में में कन्वर्ट होगा एक पायरेविक एसिड एक एसिटिल को दूसरा पैरविक एसिड दूसरे में तो दो एसिटिल को इंजाइम बनेगा और यहीं पर हमें दो एन भी मिलेगा

ये कहा जाएगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और यहां पे एक साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होगा जिसको हम क्रेप साइकिल कहते हैं अब बच्चों एसिटिल से जो एसिटिल वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होगा वो यूज होता है ठीक है वो जब यूज होगा तो इसमें जो एसिटिल वाला पार्ट है ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड के अंदर तीन कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है कार्बोजाइलिक एसिड क्या होता है सी सी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में हम कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे लेकिन इसमें तीन कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है इसीलिए इसको ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं ट्राई कार्बोजाइलिक है है क्योंकि एसिटिल पार्ट कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में और उसमें क्या होता है तीन कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है तो इसलिए उसको

जो रिएक्शन है इसमें इनडायरेक्ट एनर्जी जो भी है तुम्हारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट एनर्जी में यहाँ पे ऑक्सीजन के मदद से क्या होता है ये डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये वाला और ये वाला एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होगा तो NADH2 से तुम्हें 3 एटीपी मिलेगा कितना एटीपी मिलेंगे 3 एटीपी और FADH2 से तुम्हें मिलेगा 2 एटीपी NADH2 से 3 एटीपी FADH2 से 2 एटीपी ये ये तुम्हें मिलने वाला है, ये याद रखना बच्चों पे वाटर भी होगा और अब हम एक करने वाले हैं ठीक है कितना एनर्जी मिलेगा अगर हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेते हैं तो बच्चों ये सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें हमें दो एटीपी मिलता है तो दो एटीपी से तो दो ही एटीपी मिलेगा और दो एनएडीएच टू मिलता है याद करो दो एनएडीएस टू से एक एनएडीएस टू से कितना बोला था तीन तो दो से क्या होगा थ्री टू या सिक्स एटीपी टोटल कितना हो गया आठ एटीपी

और एक एटीपी से हम करते हैं तो हमें, रेस्पिरेशन में 38 टोटल मिलता है, ये हमें पता चल चुका है इतना ही था यहाँ पे अब एटीपी क्या होता है भैया एडीनोसाइड ट्राइफॉस्फेट देखो इसको हम डायरेक्ट एनर्जी बुलाते हैं इसको हम एनर्जी करेंसी बुलाते हैं इसको हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल भी बुला सकते हैं बच्चों समझना स्ट्रक्चर को ये है एडीनी ठीक है इसके साथ ये जो जोड़ा मैंने वो है एक राइबोस राइबोसुगर इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं एडीनोसाइन एडीन और राइबोस राइबोसूगर को मिलाकर के हम एटी कहते हैं बच्चों इसके साथ अगर मैं एक फॉस्फेट जोड़ता हूं फिर एक और फॉस्फेट जोड़ता हूं ठीक है फिर एक और फॉस्फेट जोड़ता हूं तो मैंने तीन फॉस्फेट जोड़ दिया इसके लिए हम इसको ट्राई बुलाएंगे ट्राइफॉस्फेट ट्राई ट्राइफॉस्फेट दिस इज एटीपी भैया एनर्जी कैसे मिलेगा जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो बॉन्ड है ठीक है ये बॉन्ड टूटता है और हमें एनर्जी मिलता है फिर एक बॉन्ड टूटेगा फिर एनर्जी मिलेगा तो एटीपी गेट्स एनर्जी मिल और इससे हमें एनर्जी मिलता है ठीक है अब देखो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट अगर हमारे पास कभी कभी कैसा होता है ना कि देखो कार्बोहाइड्रेट्स है तो हमें डायरेक्टली ये प्रोसेस से एनर्जी मिल जाता है ये हमने पढ़ लिया राइट कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें एसिड एसिड मिलता मिलता है से को में मिलता है में फिर वो साइकिल में जाता है और ईटीसी वगैरह सब होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी हमें मिल जाता थर्टी एट एनर्जी मिलता मिलता है 38 मिलता है एटीपी बच्चों लेकिन कभी कभी हमारे वास करते हैं फिर किसी भी कारण से हमें जो शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है ठीक है तो ऐसे केस में प्रोटीन या फिर फैट यूज होता है अब एरोबिक रेस्पिरेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड

रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है कंप्लीटली नहीं होता है क्योंकि बहुत ही कम और इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होता है ठीक है ऑक्सीजन नहीं होता या फिर बहुत कम ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे बहुत कम एनर्जी ऑप्टेन होगा कितना होगा अभी बात करता है ये दो स्टेप में होता है एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है फर्मेंटेशन ओके okay? अब देखो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस ऑलरेडी हमें पता है ग्लूकोज है ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है पायरेबिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है बच्चों कि जो ये, हमें मिला है, ये अलग अलग तरीके से इसका हो सकता है। तीन ठीक है? इडिबल, ये इडिबल होता है तो यहां पे जब हम इष्ट को ठीक है जब इष्ट का फर्मेंटेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको इथेनॉल मिलता है जो कि एक प्रकार का एल्कोहल है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एनर्जी मिलता है तो यहां पे तुम देख रहे हो कि तुम्हें एनर्जी मिला बहुत ही कम होगा दो एटीपी मिलेंगे तुम्हें बस दो ही एनर्जी मिलेगा इससे ज्यादा नहीं मिलेगा अभी बच्चों यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है इसीलिए जब हम इसको ब्रेड वगैरह में दे, अगर देखेंगे तो ये फूल जाएगा फूल जाएगा पॉफी हो जाता है नेचर में ठीक है yes. अगला जो है वो है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी ये कब होता है हमारे मसल्स के अंदर इमेजिन करो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं अभी कल जैसे जिम गया था और बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ मैं रेगुलर जिम तो मेरे ना इस मसल में ना बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे ये वाले पार्ट में मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्मलेट हो गया है क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो ऑक्सीजन की कमी हुई इस पार्ट में और फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ और मुझे लैक्टिक एसिड यहाँ पे एक्यूमलेट हो गया जिसके कारण मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है सोरनेस लग रहा है जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम महसूस करोगे अग यहाँ पे भी दो एटीपी मिल रहा है अगला जो है ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारे ऐसे भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अगर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आसपास में प्रेजेंट हो या नहीं हो तो वो एन रेस्पिरेशन करने लगते हैं तो कई बार उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे कि विनेगर्स एंड वाइटमिन प्रोड्यूस होता है तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन रेस्पिरेशन तो मैं बस सिंपली ये एग्जाम्पल है ज्यादा कुछ नहीं करना एग्जाम में ठीक है अब देखो जैसे कि मान लो कि ये सीड्स है ये सीड्स की दर जमीन के अंदर है अभी इनको बड़ा होना है तो जमीन के अंदर मान लो बारिश हुई और उसके कारण पानी भर गया तो इस केस में ये भी क्या करेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे सीड्स परफॉर्म एन रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सोड अंडर द वॉर ड्यूरिंग जर्मिनेशन साथ ही साथ देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा मसल भी रेस्पिरेशन करता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं इसके अलावा बच्चों ड्यू टू विच द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस प्रोड्यूसर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्मलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड तो हमारे बॉडी में जब एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है मैंने तुम्हें बताया कि बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा और हमारे बॉडी को कैसा टायर्ड फील होगा टायर्ड ओके चलो अब ये एक चार्ट है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम्हें देखने को मिलेगा और ये चार्ट क्या है एन रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अगर ग्लूकोज की मदद से हो रहा है तो क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस होगा यहां से पायरेविक एसिड फॉर्म होंगे और ये देखो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा पायरेविक एसिड फर्मेंटेशन होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल वगैरह फॉर्म हो सकता है विनेगर वाइटामिन एक्सेट्रा और यहाँ पे ये किस में होता है माइक्रोब्स के अंदर होता है मैं पीछे तुम्हें चार्ट दिखा चुका हूँ फिर पैरविक एसिड से क्या होगा फर्मेंटेशन होगा एल्कोहल फॉर्म होगा ये किसम होता है में ये मैं तुम्हें पीछे दिखा चुका हूँ ऑलरेडी ठीक है फिर पायरेविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा ये कहाँ पे होता है इरिथ्रोसाइड्स या फिर मसल्स में इरथ्रोसाइड मतलब रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड है थीके? तो ये पहले ही मैं तुम्हें ये चार्ट पीछे दिखा चुका हूं ये तुम्हें याद रखना है अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ सेल डिविजन सेल डिविजन बेसिकली दो प्रकार के होता है एक है माइटोसिस जिसमें सोमैटिक सेल्स का डिविजन होता है अब तुम सोच रहे हो कि भैया क्या होता है देखो तुम्हारा जो बॉडी है बोन्स मसल्स हेयर्स लिप्स चीक जो भी चीज तुम इमेजिन कर सकते हो हॉर्ट वगैरह ये सब में जो सेल्स होता है उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं शिवाय एक चीज को छोड़ के अभी तुम्हें पता चल जाएगा दूसरा जो है मियोसिस है मियोसिस में जर्म या फिर रिप्रोडक्टिव सेल का डिविजन होता है भैया यही वो चीज था क्या जिसको छोड़ना था सोमेटिक में बिल्कुल सही मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पम्प प्रोड्यूस करता है और जो स्प के अंदर जो सेल होता है वो जर्म सेल है फीमेल के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है egg, ये क्या है? के लिए, है, या फिर है इनका डिवीजन होता, हो होता है चलो एक काम करते हैं सबसे पहले ना हम एक सेल को समझते हैं तो बच्चों ये एक सेल है सेल के ऊपर हमें पता क्या होता है सेल मेंब्रेन जिसको हम प्लाज्मान भी बोलते हैं अब ये सेल मेंब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है एक न्यूक्लियस नाम का एक पार्ट होता है और न्यूक्लियस के ऊपर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों यहां पे जो ये तुम्हें एक पार्ट दिख रहा है इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये क्या करता है इसके अंदर बहुत सारा आरएनए होता है ठीक है स्टूडेंट्स यहां पे ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीओल इसका क्या काम है ये तुम्हें थोड़ा आगे जाकर के समझ में आ जाएगा अब ये एक सेल है बच्चों सेल के अंदर क्या होता है क्रोमेटीन फाइबर्स होता है जो आपके डीएनए जिससे क्रोमोजोम बनता है और क्रोमोजोम को अगर हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलता है एक डीएनए मिलता है

बेस्ट ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर देर कैन बी भी मेटाट्रिक्रोसेंट्रिक टेलो सेंट्रिका नाइन्थ स्टैंड पढ़ा था चलिए एक काम करता अब ये है अभी जो क्रमोजोम है बच्चों ये क्रोमोजोम है इसके जैसा दूसरा एक और क्रोजोम रहा तो इसको हम होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं अब मान लो एक और क्रोमोजोम है एक और क्रोमोजो है सिमिलर टाइप ऑफ इज क्रमोजोम होमोलोगस क्रोमोजो अब देखो ये जो क्रोमोजोम है बच्चो यहाँ पे दो क्रमोजोम है हमारे पास ठीक है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोजोम अगर ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ ये दिख रहा है तुम्हें तो ये जो बना रहा है इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं ये बात को भी समझना बहुत जरूरी है सिस्टर कहते है, जब क्रोमोजोम एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब के एक सेल के अंदर, 46 क्रोमोजोम होता है जो थ्री के पेयर्स में, right? में होता है ये हर सेल के अंदर होता है आई रियली होप कि ये भी तुम्हें याद होगा अब भैया माइटोसिस मतलब होता क्या एक्चुअली तो मान लो कि ये एक ह्यूमन सेल है इसके अंदर कितने क्रोमोजोम दिख रहा है दो क्रोमोजोम है इसको डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन मतलब कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम रिक्वायर्ड है 46, है, 46 है मतलब 23 का पेयर ठीक है ठीके? अब इसके अंदर से से बच्चों ध्यान देखना ठीक है है ये जो है, इसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है ये यहां पर सिस्टर क्रोमेट्रिक्स बनाएगा और सिस्टर क्रोम बनाने के बाद अभी देखो क्रॉस हुआ है क्रॉस हुआ मतलब सिस्टर क्रोमेट्रिक्स है यहां से ये एक ब्लू वाला और एक रेड वाला एक सेल में चला गया दूसरा ब्लू वाला रेड वाला यहां पर चला गया मतलब सेपरेशन ऑफ हुआ है, राइट इसी चीज को हम बोलते हैं हैं माइटोसिस माइटोसिस क्या कहते इसको हम? कि एक सेल सेल था इस ये ये डिवाइड होके दो बन गया यहां पे जो ये पहले वाला सेल था ना बच्चों इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है मतलब तुम मान के चलो ये एक रिमोट है इसको मैंने तोड़ दिया अब इससे दो रिमोट बना दिया मैंने मतलब एक्चुअली जो पहले रिमोट था वो तो खत्म हो गया अब दो बन गया है उससे ठीक है तो जो पहले वाला होता है उसका अस्तित्व इसमें खत्म हो जाता है ठीक है तो दो सेल बन चुके हैं इससे इसको हम क्या बोलते हैं माइटोसिस जो कि सोमेटिक सेल्स में होता है इसकी बच्चों दो स्टेजेस है ठीक है यहां से तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है इसके क्या है दो स्टेजेस है पहला स्टेज क्या है कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस से हम क्या बोलना चाह रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होगा इससे अच्छा उसके बाद है तुम्हारा अलग अलग फेजेस है कैरियोकाइनेसिस के कौन से कितने फेजेस है देखो सबसे पहले प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ये चार फेजेस है बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये फेजेस तुम्हें आगे भी काम आने वाले ठीक है बच्चों उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन वीडियो देख रहे हो तो आराम से देखना जरा बात को समझो कि प्लांट के अंदर थोड़ा अलग होता है साइटोकाइनेसिस और एनिमल सेल के अंदर थोड़ा अलग होता है मैं दोनों बताने वाला हूं तुम्हें ठीक है अभी देखो ध्यान से कैरियोकाइनेसिस के की हम बात करते हैं सबसे पहले पहला स्टेज जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इसमें क्या क्या था प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज याद है ये था हम कैसे याद रखेंगे पी एम ए

मेटाफेज में पूरी तरीके से गायब होता है, में शुरू होता है। ये बात याद पूरी तरीके से विजिबल होता है क्रोमोजोम है मान लो थोड़ा बहुत एक ध धागा होगा हो वो भी कंडेंस हो गया पूरी तरीके से विजिबल हो गया स्टार्ट कहां पे हुआ था प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे कंप्लीटली हो जाता है तीसरा पॉइंट देखो क्या है

स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स जिनका नाम है स्पिंडल फाइबर्स वो देखो यहां पे पहले नहीं था ना ग्रीन के पास सेंट्रिय के पास अभी डेवलप हो गया दिख रहा है तुम? मैंने ऐसा क्रॉस में दिखाया आर फॉर्म बिटवीन द द सेंट्रोमियर ऑफ बोथ था ये दोनों सेंट्रियोल्स के सेंटर में ये फॉर्म होगा ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होते है इनका नाम है स्पिंडल फाइबर्स बच्चों इसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो एक इमेजिनरी लाइन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पेट्रीमियंट्रीओल से पास कर रहे हैं ठीक है थीके? से, ये से हम पास कर रहे हैं अभी देखो अगला हमारा फेज शुरू होगा जिसका नाम पे, पे तो है क्या लिखना है सबसे पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर सेपरेट सेंट्रोमियर जो येलो वाला पार्ट है बच्चों यहां पे क्रोमोजोम में वो स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि दो थे हमारे पास वो स्प्लिट होगा और ये दोनों जो है ठीक है ये क्रोमोजोम पुल्ड होंगे अपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर द्वारा ये जो येलो कलर का स्पिंडल फाइबर दिख रहा है वो इसको खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा और खींचने के बाद ये यहां पे आ जाएंगे बच्चों अगले पार्ट में यहां पे ध्यान से देखो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटेट ये जो सिस्टर क्रोमेटेट जो सेपरेट हो चुके हैं पहले सिस्टर थे ना इससे साथ में अभी जो सेपरेट हो चुके हैं ये पीछे पीछे जाएंगे ठीक है क्या होगा इसको हम क्या कहते हैं डॉटर क्रोमोजोम्स कहते हैं ये क्रोमोजोम था

बच्चों उसके बाद क्या होगा न्यूक्लियोलस दिखने लगेगा न्यूक्लियर तो ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया न्यूक्लियोलस भी दिखने लगेगा और जो स्पिंडल फाइबर है वो भी गायब हो जाए इसके बाद बच्चों क्या होगा कि जो फाइनली हमारा ये है यहां पे दो न्यूक्लियस बन चुका है पहले की तरह देखो ध्यान से दो न्यूक्लियस बन चुका है एक सेल के अंदर बच्चों यहीं पे वीडियो पोस्ट करो और इस चीज को कम से कम दो बार और देखो मतलब टोटल तीन बार और अपना नोट्स बना उसको रीड करो क्योंकि जब मैं तुम्हें मियोसिस समझाऊंगा तो मियोसिस में भी यही सारी चीजें अलग तरीके से हो रही होंगी तो अगर तुम यहां पे पर यह समझ लोगे ना तो मियोसिस अपने आप समझ में आने लगेगा तुम्हें ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो अब आता है साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिविजन हो चुका है एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुका है साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों अ नॉच इज फॉर्म एट द इ्यूटोरियल प्लेन ऑफ द सेल

एनाफेज के लिए एंड टिलो के लिए ठीक है तो साइटोकेनेसिस के लिए तो एक बार मैं स्मूथली दिखा देता हूँ कि तुम पोज करके लिख सको तीन दो एक तुम पोज करके लिख लेना तीन दो एक तीन, दो एक तीन दो एक एंड साइटोकेनेसिस ठीक है पोज करके के अच्छे से नोट्स बना लेना अगर पीछे नहीं समझ आया तो ठीक है या फिर यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो तो जो अगला जो हमारा सेल डिवीजन का टाइप है उसका नाम है मियोसिस अभी समझो सबसे पहले समझो मियोसिस होता क्या ये जम सेल के अंदर होता है रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और सेक्सुअल में नहीं होता है, ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है मेल होता है ठीक है जिसके पास पम होता है फीमेल होती है फीमेल के पास क्या होता है बच्चों एग होता है

2N, मतलब 2N. क्योंकि 23 इसने से ले लिया है, इसके पास दो सेट होगा. Miosis, जो जम सेल में होता है रिप्रोडक्टिव सेल में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं यहां पे क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है जैसे समझो दो स्टेप में होता है एक होता है मियोसिस वन जहां पे क्या है कि ये ये तुम्हारा यहाँ पे ये वगैरह फॉर्म हो चुका है और इसके बाद ये जो तुम देख रहे हो ठीक है यहां पे एक ब्लू वाला है और एक रेड वाला है अलग होके नहीं और रेड वाला इकट्ठा एक, एक जगह पे तो मैं कह सकता हूं कि टू एन का एन एन हो गया है आधा आधा हो गया मतलब मान लो कि यहां पे क्या था बच्चों की यहाँ पे फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम था तो अब यहां पे ट्वेंटी थ्री आ गया और यहां पे ट्वेंटी थ्री आ गया एन एन से मेरा बोलने का मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूँ

इसको तुम दो तरीके से समझ सकते हो बच्चों टू एन का क्या हुआ एन एन हो गया हाफ हो गया और उसके बाद मियोसिस वन में हुआ ये ठीक है जहां पे क्या हुआ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम यहाँ पे जो होमोलोगस होमोलोग था वो सेपरेट हुआ था मियोसिस वन में और मियोसिस टू में क्या हुआ बच्चों सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटेड जहां पे एन एन यहाँ पे तुम लिख सकते हो चाहिए तो ट्वेंटी थ्री का दो पेयर एन मतलब ट्वेंटी थ्री ठीक है कितने होता है ट्वेंटी थ्री होता है ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइस फोर्टी सिक्स यहाँ पे तुम लिख सकते हो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री 23, 23, जैसा कि मैंने पीछे बताया था 23, 23. बच्चों बनते हैं हैं, जब हम मियोसिस की बात करते हैं, तो तो यहां पे चैनल तो, बताऊंगा क्या क्या है क्योंकि तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है में तुम्हें बताया कि मियोसिस में कुछ स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करो तो उसको चलो समझते हैं तो बालकों हम लोगों को समझना है मियोसिस जो किसमें होता है जम सेल या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है और मैंने ना तुमसे पूरा हैंड रिटन नोट्स मियोसिस का तैयार किया ये भी मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगा हमारे नोट्स वाले फोल्डर में और उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा बच्चों एक छोटी सी बात और कि ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है इसको भी जाके तुम फॉलो कर सकते हो मैं अपने लाइफ के बारे में बिहाइंड द सीन मेरे मन में क्या चलते रहता है ये सारी चीजें यहाँ पे शेयर करता हूँ आज तक बताया नहीं बट ये इसको जाके तुम फॉलो कर सकते हो सिंपली शुभम अंडरस्कोर शुभ अंडरस्कोर झा सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा बच्चों अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक क्वेश्चन है पहले टेक्स्ट बुक दिखा देता हूं ये टेक्स्ट बुक है और इसके अंदर चैप्टर नंबर टू के लिए क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि चैप्टर नंबर टू अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फाइव स्टेजेस ऑफ ऑफ प्रोफेज वन मियोसिस पेज नंबर ट्वेंटी वन पे क्वेश्चन है तो इसी को हमें समझाना है तो ध्यान से सुनो

प्रोफेज वन के प्रोफेज वन देखो वन में प्रोफेज वन होता है उसमें ये सारे वन, और फिर तुम्हारा होता है म्यूसिस टू जिसमें तुम्हारा होता है प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेजेज टू, टू और साइटोकनेसिस टू समझ आयाचर है मियोसिस का फिर से एक बार मियोसिस वन में होता है

ये वाला तुम्हारा एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या ये न्यूक्लियस है उसके अंदर ये थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोम कहते हैं और यहां पे क्या है तुम्हारा सेंट्रीओल बच्चों सबसे पहले ये कंडेंस होगा जैसे ये कंडेंस होगा तो क्या बन गया यहाँ पे तो मैं दिख रहा है ये क्रोमोजोम बन गया ठीक है और ये क्या है सेंट्रीओल तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क था ध्यान से देखो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क था या फिर जो फाइबर था वो कंडेंस होता है और स्टार्ट करता है अपने आप को क्रोमोजोम बनाना जो कि यहां पे हो चुका है अगला स्टेप देखो क्या है ठीक है यहीं पे इसी का अगला स्टेप लिपोटीन का सेकंड पॉइंट जो तुम्हें लिखना है अब ये वाला डायग्राम उठा करके मैं यहां ले आया जो ये वाला तुम्हारा डायग्राम है ना तो, तो चलो इसको बड़ा कर देते हैं और हैं और कंटिन्यू करते बच्चों इसके बाद क्या होता है जो सेंट्रीओल्स से, है वो डुप्लीकेट करते हैं और मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ ये तो मैं पहले भी एनिमेशन से मैंने दिखाया था तो ये सेंट्रीओल ने खुद को डुप्लीकेट किया और ये कहां पे आ गया एक इस तरफ आ गया और दूसरा किस तरफ आ गया दूसरा इस तरफ आया मतलब खुद को डुप्लीकेट करने के बाद बच्चों यहां पर तुम्हारा ये लिपोटीन खत्म हो जाता है इसके बाद प्रोफेज वन में जो अगला स्टेप है बच्चों वो आता है अगला क्या है जाएगोटीन। जाएगोटीन में क्या होता है बच्चों ये जो यहां पे सेंट्रियोल आ चुका है यहां पे तुम ध्यान से देखो ये वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या अंतर है कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें तो यहां पे क्या लिखा है देखो होमोलोगस क्रोमोजोम कम्स टूगेदर यहां पर तुम डिस्टेंस देखो ये ज्यादा है यहां पर डिस्टेंस को कम रखा है इसका मतलब क्या हुआ ये जो होमोलोगस है ठीक है वो क्या हो रहा है एक दूसरे के पास में आ रहे हैं ठीक है और द पेयरिंग इज कॉल्ड है ये जो पास में आए हैं और जो एक पेयर बनाने वाले इसको क्या बोलते हैं साइनेप्सिस कहते हैं इस बात को याद रखना

ये रेड वाला और ब्लू वाले के बीच में क्या हुआ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इस वाले पार्ट में इन दोनों के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है ये एक सिस्टर है रेड वाला और ये एक ब्लू वाला है है। एक सिस्टर क्रोमेटेड इनके ऊपर एक क्रॉसिंग हो रहा है और इस क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं चाइजमा गॉट इट चलो तो ये वाला पॉइंट हो गया अभी अगला वाला देखो क्या लिखा है हियर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस और यही जो बच्चों चाइजमा फॉर्म हुआ है

अब ये जो यहाँ पे चाइजमा बन चुका है उसके बाद ये देखो यहाँ पे रेड वाले पे रेड वाले पे थोड़ा ब्लू वाला आ गया और ब्लू वाले पे क्या हुआ थोड़ा सा रेड वाला आ चुका है अब ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजेंगे रिपेल करेंगे एक दूसरे ठीक है है अगला स्टेप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्टार्ट टू तु अभी तुम देखो यहाँ पे यहां पे।, पे मैंने तुम्हें दिखाया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तुम्हारा वो धीरे 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 गायब हो रहा है ठीक है और ये जो न्यूक्लियोलस था वो भी पूरी तरीके से गायब हो चुका है क्लियर है देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रोमोजोम फर्दर कंडस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिस अगला स्टेप है ये जो क्रोमोजोम है पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा आप और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये मान लो पूरी तरीके से गायब हो चुका है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस था ये भी पूरी तरीके से गायब हो चुका है ये स्टेप हो गया इसके बाद बच्चों यहां पे तुम्हारा डाइकाइनेसिस भी हो गया डिप्लोटीन हो गया और फाइनली तुम्हारा डाइका अच्छा ये डाइकाइनेसिस था मैं लिखना भूल गया ये डाइकाइनेसिस है ठीक है तो अब तुम्हारा आता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज क्या आता है इसके बाद मेटाफेज आता है मेटाफेज में क्या होता है है बच्चों होमोलोगस जो वो अरेंज कर लेते हैं ऑन द इक्विटोरियल प्लेन ये तो मैंने बताया था ना ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये खुद को इक्विटोरियल प्लेन के पास इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करेंगे जाकर के ये हमने पहले भी पढ़ा है मेटाफेज में उसके बाद क्या होता है स्पिंडल फाइबर आर फुल्ली डेवलप यहाँ पे जो सेंट्रो साइड में आता है यहाँ पे क्या बनेगा स्पिंडल फाइबर इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा ये सब हमने पहले भी पढ़ा था तो तुम्हें बताया था डिटेल में देखना इसके बाद देखो बच्चों क्या होगा एनाफेज शुरू होगा एनाफेज वन उसमें क्या होगा होमोलोगस क्रोमोजोम आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर ये जो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम ऐसे आ जाएगा ठीक है मान लो वो एक दूसरे से ऐसे दूर जाएगा ठीक है ऐसे पुल्ड होगा दूर में ठीक है एंड कैरी टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्ड बाय स्पिंडल फाइबर यहाँ पे जो ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर है यह इसको दूर अपोजिट पोल्स की तरफ खींच लेगा एनाफेज फेज वन यहाँ पे खत्म होगा और टीलो फेज वन स्टार्ट होगा टीलो फेज वन में क्या होगा बच्चों द न्यूक्लियर एंड द न्यूक्लियोलस यहां न्यूक्लियर में लिखना था मैं लिखना भूल गया न्यूक्लियर ठीक है बच्चों एंड जो न्यूक्लियोलस है वो कंप्लीटली फिर से अपियर होना स्टार्ट हो जाएगा अब देखो यहां पे ये यह सब जो भी तामझाम था ये पीछे से जो भी था हमारा जो स्पिंडल फाइबर वगैरह था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया और यहां पे हमारा दो न्यूक्लियस बन चुका है कुल मिलाकर के ठीक है एंड थर्स टू डॉटर आर यहां पे सेल के अंदर क्या हो गया दो डॉटर न्यूक्लिया बन चुका है अब ये वाला जो सेंट्रोमेयर है वो तो वहीं पे है और ये जो तुम्हारा सेल है ऐसे दो सेल्स कंप्लीटली बन जाएंगे ये यह देखो यहां पे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो चुका है ठीक है अब साइटोकाइनेसिस होगा साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बच्चों साइटोकाइनेसिस ऑकर एंड थर्स टू हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म तुम्हें पता है ऐसा खाचा खांचा आएगा ऐसे ठीक है और इस तरीके से फाइनली दो सेल्स हमारे पास मिल जाएंगे मतलब कि साइटोकाइनेसिस होने के बाद हमें दो सेल मिलेंगे मतलब कुल मिला के क्या हुआ जो दो हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम थे वो सेपरेट हो चुके हैं एक में पूरा रेड वाला है एक में पूरा ब्लू वाला है लेकिन पॉइंट नंबर एक याद रखना है कि रेड पे थोड़ा ब्लू वाले का कुछ आगे और ब्लू पे थोड़ा रेड वाले का कुछ आ चुका है इसके बाद शुरू होता है बच्चों मियोसिस सेकेंड ठीक है अब ये जो मियोसिस सेकेंड है हमारा इसमें क्या होता है बच्चों सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब कि मान लो ये रेड वाला है ठीक है यहाँ पे रेड वाला है जिसमें थोड़ा सा ब्लू का आ गया उसमें से एक रेड यहाँ चला जाएगा और दूसरा रेड यहाँ पे आ जाएगा मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिक्स है वो सेपरेट हो जाएंगे गॉट इट सिमिलरली मतलब कुल मिला के जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था ना वही यहाँ पे होगा और कुछ नहीं होगा सेम टू सेम बट हम डायरेक्टली लिख देंगे ऐसा और कुछ नहीं करेंगे हम ठीक है और यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे बच्चों जो ब्लू है एक ब्लू सिस्टर क्रोमेटिक्स का पार्ट यहाँ पे आ गया और दूसरा वाला पार्ट पूरा तरीके से यहाँ पे आ गया तो दिस इज ऑल अबाउट योर Miosis. बाकी तुम्हें हर एक चीज मैंने डिटेल में बता दिया तुम्हें जो जो मैंने यहाँ पे दिया है ये सारा नोट्स मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगा ये तुम डाउनलोड कर लेना और इसको एज इट इज देख देख करके बना लेना या फिर तुम इससे भी पढ़ाई करने का टाइम पढ़ सकते हो ठीक है और बच्चों अगर इस चैनल पे तुम नए हो और अब तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बताओ ये तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ सब्सक्राइब कर लो और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों की जब तुम हमारे चैनल के वीडियोज को शेयर करोगे उन लोगों तक जिनको सच में जरूरत है तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो तुम देख रहे हो तो हमारा चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा खाली कमेंट करने से कुछ नहीं होगा बच्चों की भैया आप इतना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन चैनल पे सब्सक्राइबर क्यों क्यों कम है या ग्रोथ क्यों कम है उससे कुछ नहीं होगा तुम्हें देखना पड़ेगा बच्चों मेरा जो प्लान है इस चैनल से रिलेटेड की हर चैप्टर का मैं वन शॉर्ट वीडियो डालू हर हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ तुम्हारे लिए ठीक है और एकदम क्वालिटी डाल रहा हूं तो तुम इस वीडियो के नीचे चेक कर सकते हो तुम्हें ग्रेविटेशन मिल जाएगा क्लासिफिकेशन मिल जाएगा हेरिडिटी मिल जाएगा और ये जो चैप्टर लाइफ प्रोसेस वन पढ़ा है वो मिल जाएगा तो जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा हर एक वीडियो का लिंक मैं हर एक चैप्टर के नीचे डाल दूंगा तो जब भी तुम्हें कुछ देखना होगा तो वहाँ से जाके देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को जरूर शेयर करना और लाइक का बटन दवा करके एक लाइक बढ़ा दो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मची लर्निंग